इस मौके जब इनकी कुछ थम उठी थी, जब मैं पड़ोसी था, मैं दीवार पर से देख रहा था, तो ये चिपटम चपटा थे। अच्छा। बाकी मैंने पीछे कहा मैं अभी जो तो नाश करोगे के, जब हिम्मत बल मुझे मैंने उठाई है तो वहाँ वहाँ से पकड़ रही थी, आप पे पकड़ रही थी। हाँ। अच्छा। मैंने देखा इसके लग रही है चोट। अच्छा। मैंने एक तरफ से दबाया था यहाँ से। अच्छा। एक तरफ। पब्लिक मीडिया हरियाणा देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं मेनका देसवाल आज आए हैं दुजाना गांव में। कल से एक घटना बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, बहुत दर्दनाक घटना है भाई, यूँ कह लेना रोंगटे खड़े करने वाली घटना, इससे बड़ी घटना नहीं हो सकती। दो बाणे, दोनों बाण माँ जाई, एक ही घर में रहें दो भाई सगे, दोनों वो भी माँ जाई, पता नहीं इसी के अनहोनियों वह है जिस कारण दोनों परिवार यूँ कह लिया कि उजड़ गए हैं, कोई कसर नहीं है। ये ताऊ हैं और इधर से भी ये पारिवारिक मेंबर हैं, इनसे बातचीत करेंगे भाई ईशा के, क्योंकि हर कोई ये जानना चाहो भाई इसी कौन सी बड़ी वजह थी, के बात थी जिस कारण अपने खून के प्यासे हो गए। क्यों ताऊ? राम राम ताऊ। राम राम। अच्छा ताऊ, ये दर्शक जानना चाहे इसी के बात हुई जिस कारण आपस में अपने माँ जाए भाई बहन खून के प्यासे हो। जी शुरू से लड़ते आ गए दोनों बहन बहन। अच्छा। और उसे पीछे ला के हमने तो उसके माँ बाप हमने कई बार बुलाए। अच्छा। भाई तुम अपनी लड़कियों को आके समझाओ, तीन चार साल हो गए थे, हम देखे लड़के के 7 साल लगते हैं। अच्छा, इसके माता पिता है लड़के के? लड़के के दोनों है, माँ बाप है। अच्छा। तो परिवार वाला के उनके कहा था वो हमारे पास एक बार भी नहीं आए। अच्छा। जितनी बार दफा रही घर वाला दफा होता हम फिर भी फोन कराया करते, वे हमारे पास एक बार भी नहीं आए। जब ये कांड हो लिया फिर आए हैं। कोई नहीं जी, उनकी कहानी तो के थी, या बेली मेरी है, जो ढकना मेरा था, ये कहानी थी, ये हालत थी। आप बड़े हो के इसी बात लगा है, सिर्फ बेली कटोरी की बात थी या और की मशीन? ना जी, कोई 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 नहीं, बिल्कुल जी। हाँ। तो फिर ये पुकार इस घटना को अंजाम किसने दिया? की बताऊं इस बात का, मालिक की माया से। आप क्या लगो हो? मैं दादा लगो। दादा लगो, सगे दादा हो? ना, घर में, घर परिवार में हो। अच्छा, तो कल किस बात को लेकर झगड़ा हुआ? कल ताऊ जी, परसों का। हाँ। किस बात को? परसों का फिर यही झगड़ा था, जो इनकी लड़के बड़े दोनों भाई की बहन है ना, तो ये लोग कहता हमारा नहीं बढ़नी, हम मेरा नहीं बढ़ेगी, यहाँ नहीं बढ़े। घरेलू चक्कू था या कोई बाहर से लाया गया? चक्कू घरेलू होता है। अच्छा। इस मौके पर जब इनकी कुछ थम उठी थी, जब मैं पड़ोसी था, मैं दीवार पर से देख रहा था, तो ये चिपटम चपटा थे। अच्छा। बाकी मैंने पीछे से कहा मैं अभी जो तो नाश करोगे के, जब मैं यहाँ से यहाँ तक, मैं यहाँ से वहाँ आने, जब वो लड़का तो दीवार कूद कर चला गया, तो लड़के के हाथ में मैंने कोई चाकू नहीं देखा। तो फिर वो जो कि घरवाली थी वह एक मेरे हट गई, तो मैंने उसके घर में कोई चाकू नहीं देखा। क्योंकि जब चक्कू किसने मारा था? ये चक्कू हम इस तक आज मुझे उठा ला के दबा दुबी करने लगे ना, जिस टाइम मतलब आपने जिस हालत में वो देखी उसका मतलब वार हो रहे थे या नहीं? हाँ, हो रहे थे, वार हो रहे थे। हाँ। राहुल था उस टाइम पर? उस टाइम नहीं था। इसका मतलब यू है कि इनकी हस्बैंड वाइफ ने हिम्मत बनवा, मतलब किसी ने करा? हाँ, करा है। यही है ना, तो चक्कू है या ना है इस बात में तो नहीं, कोई नहीं, लेकिन वार तो जरूर दोनों ने करा, कजा नहीं उसकी घरवाली ने करा, कुछ को करा इस काम को कोई मैटर नहीं। आप पास में लगो, वैसे मोटा मोटी बात अपना सुनी, किस बात को लेकर कह रहे थे, किस बात को लेकर चिपट रहे थे? आप कह रहे हो कि मतलब थोड़ा देखे, किस बात को लेकर मेन मियां बीबी का इनका झगड़ा था? ये निका था बस ये जी, कटोरी मेरी है, थाली मेरी, इसी बात पे झगड़ा था इनका शुरू से। और इतने में फिर को देखो बीरबानी वाली बात होता हूँ आपके मैन गे, आप भी बड़े शाने हो और आप भी बड़े हो, वैसे तो हमने भी बेराज बड़े छोटे हैं, कोई को नहीं मानता, खिंडी खिंडी आंडा सारी इज्जत, लेकिन फिर भी दोनों बाने की लड़ाई थी ना, कोई करा लगाई तो नहीं, चोटे पड़ दी रहे हैं। लेकिन इस माप कितना गलत बात मानो हो, अगर ये सच्चाई है कि मतलब देवर ने भाभी के चक्कू मारे, तो इसमें आप आदमी कितनी गलती मानो हो? हम तो जी कितनी माना, सारी गलती आदमी की मानना, क्योंकि ये तो वाई बात तड़कन फिर बाण की बाण थी, और इसने मतलब बीच में को बीच ज्यादा बड़ा काम हो गया। जब ये लड़िया करती इनकी माँ ने कह दी बेटा थम मत लड़ो, थम मत भिड़ो, ये इनकी आपस की लड़ाई है। अच्छा। अपने आप मर कट लेंगी, इनकी माँ बाप ये शिक्षा दिया करते, इनकी लड़ाई में जितनी बार हो ये दोनों भाई नहीं बढ़िया करते। अच्छा।
ये अपने आप झूठ मूठ के काम करा है ये। एक तो ये इसके यहाँ बजा रही है प्राइवेट कंपनी का, एक यो अंडरू था जी कदे यो आरो का काम कर ले थे, कदे यो किसी दुकान पर लाग जाए, ये भी यो तीन पहिया वाली जो बैटरी आम शहरों में चल रही है या ले रही है। अच्छा जिस टाइम अंकल जी आप आए हो उस टाइम सांस चल रही थी या ऑन द स्पॉट उस टाइम मतलब मुझे मैंने उठाई है तो वहाँ वहाँ से नहीं पकड़ रही थी, आप पे पकड़ रही थी। हाँ अच्छा। मैंने देखा इसके लग रही है चोर। अच्छा। मैंने एक तरफ से दबा थी यहाँ से। अच्छा। एक तरफ वहाँ दबा रही थी अपने आप। अच्छा। तो मैंने महसूस नहीं था भाई यहाँ भी लग रही है, मैंने यहाँ दबा, यहाँ दबाने से फिर उसका जो ब्लड था वो अंदर जा रहा था, उसने दो चार बाघ मारी है वो ब्लड सारा बाहर आया। अच्छा। मैंने भी तो यहाँ कोई दिखाई दिया मैंने उसको छोड़ के यहाँ आके आवाज़ मारी है भाई आ जाओ नाश हो लिया कोई तो आओ। फिर ये पड़ोसी जो दिखा इस तरह मैंने कमराई उसको राहुल को बोलिया, जब तक उसमें सांझे चल रही थी अपने शहर जी उसका कपड़ा पड़ा बांध के गाड़ी में करके ले गए हम जर्जर के लिए गए रास्ते में। फिर भी बोली कहा वैसे कुछ बताया उसने कि कुछ नहीं जी उसको उसकी आवाज़ ही नहीं लिख रही मतलब फिर बेहोश होली हाँ वहाँ यहीं बेहोश होली से चक्कू लागने के बाद। कितने बच्चे हैं इसका जो मृतक है ये तीन लड़की हैं इसकी तीन लड़की 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 उम्र है इनकी इनकी एक तो 1.5 साल की होगी होगी एक 3-3.5 साल की होगी एक 8-9 साल की मतलब तीन बेटी 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 है। मतलब न्यू का एक रहा ना कती नाश कर दिया छोटी ही बात में नाश हो गया जी वो कर दिया दोनों का हो गया जी दोनों का हो गया दोनों का हो गया। ईब हाल फिलहाल कहाँ है दोनों पति पत्नी वो ईब वो तो फरार है जी फरार है दोनों और जब एक तो वो शायद अरेस्ट कर रखे वो ही वे अपने पत्नी भी ले गए पुलिस वाले जी इसकी सगी बहन जो सगी बहन मलाम जी इसने पूछताछ के लिए ले जाते हैं एक घंटे के लिए अब तक तो हमारे पास वहाँ ही नहीं कब ले गए थे वो मेरे ख्याल में कोई 11 गोरा के फिर मिले आज तो एक घंटा नाम ले गए थे अब तक तो आई नहीं है। वैसे अंकल देखो अन्यों का ये कर रहा है पुलिस का तो अपना काम है प्रशासन का लेकिन आप एक सामाजिक तौर पे की कहोगे भाई घर के घर में एक के माँ बाप के कितनी मतलब उदाहरण अगर आप कहो तो की कहना चाहोगे देखो तीन तीन चार चार पांच पांच बच्चे रोल गए हम तो नहीं ये सारे पांचों के पांचों बच्चे रोल रहे रोल गए। हाँ अच्छा इस साल कितनी उम्र है बालका की इसके बीचने हैं दोनों है 5 साल के भीतर भीतर के दोनों देख लियो मतलब न्यू को एक रहा है ना छोटी छोटी बात बदल न्यू को एक रहा है ये कटोरी बेली मतलब ये की बात है अगर इंसान शांति तक कर खावा दो रोटी राम दा खाए सका इन बातों में कुछ भी इंदर या और वो न्यू नहीं कहकर है बोला छोटी छोटी बात में नाश हो जाकर क्यों ताऊ वो नाशकति हो गया उरा खड़ा नाशकति कर दिया यू चाचा भी है ये कह रहा है कि मैंने यू कह भाई रुक जो था मत यू सांग खंडा हो मत नाश करो इतनी आण मतलब ताऊ कह रहा है कि वार करके मतलब नाश कर दिया को कसर नहीं छोड़ी। आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। अच्छा ताऊ एक बात और पूछना चाहूंगी इनका घर एक ही घर में है या अलग अलग है एक ही घर है दोनों भाई आके आके एक ऊपर रहता एक नीचे रहता बड़े तो वारदात हुई ऊपर हो या नीचे हुई ये जी जिन्ने के नीचे हुई नीचे कौन सा रहा नीचे छोटे वाला रहे। अच्छा तो वो नीचे आ रही थी वे नीचे पता नहीं जिन्ने में से झाड़ू काट आ रही थी कि उस टाइम श्याम का टाइम होगा था झाड़ू झूड़ काटने वाली ये पता नहीं जी ऊपर से दोनों खींच के ले आए हैं इस मैटर का हमने कोई मेरा नहीं भाई देख सको हो अपने ही अपने के खून के प्यासे हो जाए और सबसे बड़ी बात तो यह है इसी कोई ठोस वजह निकल कर शामी नहीं आंदी कि जिस कारण इस घटना को अंजाम दे दिया यानी कि किसी की जान तक ले ली के कहना चाहोगे यू सिर्फ पागलपन है ना समझी है या फिर यूं कह लिया कि जब यूनी कह रहे हैं बोला और लगाइए कि लड़ाई हो ना तो आदमियों को बीच में नहीं आना चाहिए के कहना चाहोगे जो भी वजह लगा है ताऊ तो ये कह रहा है कि कोई बात कौन थी छोटी मोटी लड़ाई थी हर रोज इनकी लड़ाई हो एक दिन जब से शादी हो थी कब से और थी ताऊ इनकी शादी इनके मेरे ख्याल में 10-11 साल 10-11 साल तो इनके रिश्ते न्यू है न्यू है जी मेरे ख्याल में 1-2 साल रहे हैं ये जी। अच्छा जब पहले एक आई थी बाद में छोटी आई 1 साल के पीछे जब से इनकी खैरा बैरी चल रही है न्यू है न्यू नहीं कह रहा ताऊ घर में घर आ रहा फिर और तो आगे के कहूँ वह बात हो रही है मतलब एक घर में जब दो घर हो जाए हैं और अलग अलग हो जाए हैं सिर सांझा हो जब तो नहीं कोई कर फिर भी निम्ज है जब खरा बैरी हो जाए तो आज यह घटना आपका शामी उदाहरण है किस प्रकार भाई अपनी खुद की सगी बाण खुद देवर सगा यानी कि माँ जाया भाई पति का
वो किस प्रकार खून के प्यासे हो जाए हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना भाई। अगर यू सच में ऐसा गुनाह कराया है तो इस खतर के सजा होनी चाहिए। बाकी ताऊ का साफ साफ कहना है, जितने भी आस पड़ोस वाले हैं कोई दबा लको नहीं करे, सब ये कह रहे हैं भाई नाश करने की बात कति कर दी है और जो उचित कार्रवाई है वो होनी चाहिए। क्यों ताऊ? उचित कार्रवाई जो भी दोषी है उसको होनी चाहिए, निर्दोष कोई फंसना नहीं चाहिए और दोषी को छोड़ा नहीं जाना चाहिए। ये गाम राम सारे घर परिवार का भी कहना है। बाकी आप भी अपनी रिकमेंड बॉक्स में जरूर देना।